उत्तराखंड स्थित देवघर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे, जिसका एकमात्र कारण है हिंदू धर्म के तीन विशिष्ट देवों में एक देव महादेव यानी शंकर की ज्योतिर्लिंग की उपस्थिति। शास्त्रों के अनुसार श्रावण के महीने में शिव जलाभिषेक का बड़ा ही पावन महत्व, इसलिए श्रावण के महीने में यहाँ तीर्थयात्रियों का विशेष जमावड़ा लगाया जाता है। जमावड़ा एक मेले का दृश्य ले लेता है और श्रावणी मेले के नाम से जाना जाता है। श्रावणी मेला भारत के प्रसिद्ध मेले में से एक है। मैं मुकेश, जो कि देवघर के रहने वाला हूँ, इस प्रसिद्ध मेले से जुड़े कुछ तथ्य आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जीवन में श्रावणी मेला का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। हम लोगों को सावन आने से बेरोजगार को रोजगार मिल जाता है। सावन माह में लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देवघर से 105 किलोमीटर दूर सुल्तानगंज से गंगा का पवित्र जल लाकर यहाँ देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। 105 किलोमीटर दूर से गंगा का जल छोटे छोटे कलशों में रखकर कांवर से लाया जाता है। कांवर के इसी महत्व के कारण सावन के आगमन के पूर्व से ही हजारों लोग लाखों कांवर के निर्माण में जी जान से जुटे हैं। कांवर निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों में की जाती है। आइए आज हम आपको लिए चलते हैं दिंदोरी मोड़, जहां कांवर निर्माण का कार्य किया जाता है। आप कांवर बनाने का काम कितने दिनों से कर रहे हैं? लगभग 5 साल से। आपके जीवन में श्रावणी मेला का क्या महत्व है? हम लोगों को 2-4 महीना का काम मिल जाते हैं। इस आमदनी से हम लोग अपने परिवार को खिलाते पिलाते हैं और हम लोग भी खाते हैं। अब यह कांवर का ढांचा तैयार हो गया और अब यह सुल्तानगंज की दुकानों में पहुंचेगा, जहां इसको सजाकर बेचा जाता है। वो आप लोग को कितने रुपए में पहुंचाते हैं? वो हम लोगों को 12 रुपए पीस करके पहुंचा दिया। हम लोग इस कांवर को सजा करके 50-60 रुपए में बेच देते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग प्रतिवर्ष इस मेले का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि एक माह चलने वाले इस मेले के दौरान हुई कमाई से उनके पूरे वर्ष का खर्च निकल आता है, जो उनके जीवन के मील का पत्थर साबित होता है। मैं मुकेश, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट से।